इटावा एकदिल चर्च पर आज मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। आपको बता दें, आज पूरे देश में एक साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। वहीं एकदिल चर्च यीशु मसीह के दरबार में आज स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया है। इटावा एकदिल चर्च में स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से सुशील कुमार BSF के जवान द्वारा झंडारोहण किया गया है। चर्च में आज पहली बार पारंपरिक तरीके से ध्वजारोहण किया गया। समारोह कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मना रहे लोगों का ये कहना है कि इस COVID-19 काल में हम लोगों को गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने सरहद पर ड्यूटी कर रहे जवानों का सम्मान भी किया है। हम बस सबको पहले नमस्कार करेंगे सबको और धन्यवाद करेंगे जो हमें यहाँ पे सब लोगों ने आमंत्रित किया, हम आए हैं। हम बात सबको यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को और हमेशा खुश रखो और सही नियत पे चलो, ईमानदारी से चलो, और अगर बन सके तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, सही उन्हें शिक्षा दो ताकि वो भी देश की सेवा में सहयोग कर सकें, और सब लोग बढ़ चढ़ कर बस देश की सेवा में जो भी है योगदान दें। अपने बच्चों को प्रेरित करें कि हम भी अगर फौज में जाना चाहें, आजकल लड़का लड़की सब लोग दोनों जने जा सकते हैं कोई भी, तो पढ़ लिख के अगर जाना चाहें तो उसमें अच्छा जॉब है, उसमें देश की सेवा भी होगी। बस यही हम बस अपनी बात को विराम देते हैं। अगस्त के अवसर पर मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक भारतीय युवा हूँ। मुझे बहुत गर्व है, आज के दिन बहुत सारे लोगों ने इस देश को आज़ाद दिलाने में बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, अपने परिवार अपनी फैमिली में से, क्योंकि जो आज हम इस 15 अगस्त को मना रहे हैं, ये 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे ये दिखता है कि हम आज भी हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारे घरों में कि सच में आज भी अपने देश के प्रति लगाव और प्रेम है। परमेश्वर इस देश को आशीष करे, और परमेश्वर इस देश को ऐसा बलवंत करे, आशीष करे कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा ये 15 अगस्त एक आशीषमय होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। हम प्रभु का कोट कोट धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, जो आज का दिन 15 अगस्त परमेश्वर हमें यहाँ पर लेके आया, और आज हमारे भाई ने जो झंडा रोहण किया, हम उनको सलूट करता हूँ। जैसे वो देश पर ड्यूटी देते थे, वैसे ही आज उन्होंने यहाँ पर भी ड्यूटी को निभाया, और जितने भी लोग आए हैं उन सबको पिता आप आशीष करना, उनके खत्तों को भरना, और ये मिनिस्ट्री बढ़ती चली जाए, मूसा ग्लोरी मिनिस्ट्री, रक्त आग बनती चली जाए। यस से माना, यस जितने भी लोग हैं जो लाइव सुन रहे हैं, हम सबको आशीष करते हैं, और हम शुक्रगुजार हूँ प्रभु का आज के दिन के लिए। आज का दिन 15 अगस्त ये बहुमूल्य दिन है, हम इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, निरंतर उसको स्मरण रखना चाहिए। कितने लोग आज के दिन के लिए कुर्बान हुए, हम सबको याद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता आपकी दया के लिए। पिता आप सब लोगों को आशीष करना। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।